हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल कुम है किसी के प्यार में के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि सभी के प्लान के अकॉर्डिंग शिखा ने किया चिन्मय को कॉल, तो वहीं डायवोर्स देने के लिए शिखा ने रखी चिन्मय के सामने शर्त और बुलाया भोसले निवास। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहाँ सभी शिखा और चिन्मय के रिश्ते को बचाने के लिए एक ज़बरदस्त प्लान बनाती है, तो वहीं शिखा सभी के प्लान के अकॉर्डिंग डरते डरते चिन्मय के पास कॉल करती है और ये कहते हुए नज़र आने वाली है कि अगर तुम मुझसे डायवोर्स चाहते हो तो और चाहते हो कि मैं डायवोर्स पेपर्स पर साइन करूं तो इसके लिए तुम्हें मेरे घर यानी कि भोसले निवास आना पर होगा पेपर्स के साथ, तभी मैं उन पेपर्स पर साइन करूंगी। जहां चिन्मय पहले तो शिखा की बातें सुन के उस पर गुस्से से चिल्ला पड़ता है, लेकिन फिर वो अपने मन में सोचता है कि चलो मुझे तो डायवोर्स लेने से मतलब है, मैं फिर चाहे उसके लिए मुझे वहां क्यों ना जाना पड़े फिर चाहे उसके लिए मुझे वहाँ क्यों ना जाना पड़ जाए। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहाँ चिन्मय खुश हो जाएगा और शिखा से ये कहते हुए नज़र आने वाला है कि शादी के बाद आज पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है, मैं पक्का तुम्हारी ये विश पूरा करूँगा, मैं अभी के अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, रेडी रहो। तो वहीं शिखा के डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सभी से कहते हैं कि सभी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, कहीं मुझे सच में पेपर्स पर साइन ना करना पड़ जाए। तो वहीं सभी कह देगी कि आप टेंशन मत लो शिखा मैम, पापा पर भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक करेंगे और अच्छा करेंगे और फिर मैं हूँ ना आपके साथ, मैं संभाल लूँगी, आप आने तो दो चिन्मय दादा को। वेल, लव शो की अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहाँ चिन्मय अपने साथ ढोल नगाड़े वालों को ले आता है और भोसले हाउस के बाहर ज़ोर ज़ोर से बैंड बजवाता है, तो वहीं बैंड बाजी की आवाज़ सुन के पूरा का पूरा भोसले परिवार बाहर आ जाता है और चिन्मय को देख के हर कोई शॉक्ड रह जाता है। जहाँ चिन्मय की धमाकेदार एंट्री से अक्का साहेब की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं और दौड़ के उसके पास जाती हैं उसे गले लगाने के लिए, तो वहीं चिन्मय अक्का साहेब को खुद से दूर करने के लिए उन्हें पीछे धक्का दे देता है और कहता है कि मैं यहाँ कोई रिश्ते बनाने या निभाने नहीं आया हूँ, बल्कि अपने और शिखा के ज़बरदस्ती वाले रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने आया हूँ। जहाँ चिन्मय की बातें सुन के पूरे भोसले परिवार को लग जाता है तगड़ा झटका। तो वहीं दोस्तों, क्या सभी हो पाएगी अपने प्लान में कामयाब या उल्टी पड़ जाएगी उसकी ये दाव, तो ये जानना होगा काफी ज्यादा दिलचस्प। तो आप सब बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।